हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। तो बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि चाहे खबरदार हो या मज़ाकरात, सब पहुंचेगा आपकी न्यूज फीड में। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जख्मों से चूर कोयटा आज भी सिसकता रहा। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पुलिस अफसर की गाड़ी को घेरे में लेकर गोलियों की बौछार कर दी। फायरिंग की गूंज थमी तो चार जिंदगियां भी खामोश। एसपी इन्वेस्टिगेशन, अहलिया बेटे और पोते समेत शहीद, पोती जख्मी। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। रवा हफ्ते टारगेट किलिंग के दूसरे वाके ने खौफ और हिरास फैला दिया। जुमे के रोज AIG और उनके तीन साथी खुदकुश धमाके में जा बहक हुए थे। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में भी मौत ने जिंदगी का ताकुब जारी रखा। जिला के इससे 15 लाशें मिलने पर दिल कांप उठे। तमाम अफराद को गोलियां मारी गईं। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन वाहकेंट गुजरांवाला गुजरात और सियालकोट से है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मरने वाले ईरान के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। वजीर आला पंजाब ने मैयत लाने के लिए 11 रुकनी कमेटी बना दी। मजहबी जमात ने 8वें रोज भी इस्लामाबाद रावलपिंडी को यरगमाल बनाए रखा। अहम शाहराहें और मेट्रो सर्विस बंद होने से जिंदगी मफलूज। मरी रोड, कचहरी चौक, स्टेडियम रोड, कश्मीर हाईवे, पिशावर रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। दफातर जाने वाले मुलाजमीन और तलबा को जान जोखों में डालकर मंजिल पर पहुंचना पड़ा। कारोबारी सरगर्मियां भी तबाह होकर रह गई। मोबाइल सिग्नल्स डाउन होने से एक दूसरे से रबते भी डाउन। इस्लामाबाद जैसे शहर में 8 रोज से कानून का तमाशा। हुकूमत कहाँ है, मुजाकरात कौन कर रहा है, मामला हल करने के लिए अब तक क्या कुछ किया गया। सूरत हाल काबू में आने के बजाय दिन ब दिन बद से बदतर होने लगी। मसला जो भी है हल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहरियों ने फौरी तौर पर मुजाहिरीन से बातचीत करके रास्ते खुलवाने का मुतालबा किया। हमारे सबर का इम्तिहान ना लिया जाए, वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मुजाहिरीन को वार्निंग। कहते हैं एहतजाज करने वाले पंजाब हुकूमत से इस्लामाबाद में दुआ की इजाजत लेकर यहां तक पहुंचे। मुजाकरात कर रहे हैं लेकिन कुछ अनासिर अफरा तफरी और लाशें चाहते हैं। खत्मे नबूवत पर सबका कामिल ईमान है। आयशा गुललई भी कूद पड़ी, कहती हैं 3 दिन में धरना खत्म ना हुआ तो लोगों के साथ मिलकर खुद रास्ते क्लियर करवाऊंगी। अगर तहरीके लब्बैक वाले अपना धरना 3 दिनों के अंदर खत्म नहीं करते और हुकूमत अपने शहरियों की सहूलत के लिए रास्ते साफ नहीं करती, तो फिर मैं डेडलाइन दूंगी पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को। पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों ने मुझे कहा है कि हम खुद आएंगे और हम खुद इन लोगों से अपने इलाके जो है वो क्लियर करेंगे। पेशियों पर पेशियां, शरीफ खानदान फिर कचहरे में। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत हाजिर हुए। SCCP की खातून अफसर ने एवं फील्ड रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। दूसरे गवाह का बयान भी कलम बंद। हुदैबिया पेपर मिल्स के रिकॉर्ड समेत ऑडिट रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। वकील सफाई का सिदरा मंसूर की फराहम करदा दस्तावेजात पर एतराज। अब समाअत 22 नवम्बर को होगी। साबिक वजीर आजम को 20 से 22 नवंबर तक हाजिरी से इस्तस्ना मिल गया। अदालत ने अहलिया की कीमोथेरेपी के लिए नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत दे दी। मरियम नवाज की दरखास्त भी मंजूर, 1 माह तक पेशी से छूट। अदालती कार्रवाई के बाद पंजाब हाउस में मुशावरती बैठक, इत्तेहादियों से मुलाकातें।
नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों को इश्तिहारी करार देने का मामला अगली समाअत तक चल गया। नैब ने तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। हसन और हुसैन नवाज आज भी पेश न हुए। SCCP ने मजीद दस्तावेजात जमा करा दी। जो इस्तेमाल किए गए उस फैसले में वो ऐसे ही अल्फाज थे, वाज़े पैगाम था नैब अदालत को कि नवाज शरीफ को हर कीमत पे सजा देनी है, ये सजा दिलवाई जा रही है। नवाज शरीफ के लहजे में सख्ती, पेशी के बाद अंदर उबलता सियासी लावा मजीद खोलने लगा। अदालत के बाद लफ्जी कटहरा लगाया, कहते हैं इंसाफ के जाब्ते हमारे लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और हैं। पनामा नजरसानी केस का फैसला फैसला नहीं, नैब अदालत के लिए पैगाम था। अल्फाज वैसे ही हैं जैसे उनके सियासी मुखालिफिन उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। सजा जज नहीं दे रहा बल्कि दिलवाई जा रही है। इस हकदार पर सब कानूनी रास्ते बंद होने लगे। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में दोबारा तहकीकात का फैसला, रेफरेंस मंसूख होने पर इस हकदार के खिलाफ बहैसियत मुलजिम तहकीकात का आगाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। नैब का एलामिया, ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ अब नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये नवाज शरीफ नून लीग को इस्तेमाल करे अपनी करप्शन बचाने के लिए, खुद कुछ हमला करे अदलिया पे और एस्टेब्लिशमेंट पे, तो वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं और हो सकता है कि ये गवर्नमेंट चली जाए। हुकूमत जल्द खत्म होने वाली है, कप्तान की पेशगोई। नून लीग में टूट फूट का दावा करते हुए कहा हुक्मरान जमात में ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ नहीं, कई अराकीन पार्टी से अलग हो रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। चाहिए पीपल्स पार्टी के केसेस में, न्यू लीग के केसेस में और PTI के केसेस में भी। मियां नवाज शरीफ का जो सियासी तारीख है, अपना सियासी तारीख हाल है, उसका 30 साल का सियासी जो हिस्ट्री रहा है उसमें हर कंस्पिरेसी जो हुआ है जमहूरियत के खिलाफ मियां साहब खुद उसमें शामिल। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में मुलाकात का कोई इम्कान नहीं, बिलावल भुट्टो ने अफवाहों पर तीर चला दिए। कहते हैं साबिक वजीर आजम ने 35 साल जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकदमात में एक जैसा सलूक होना चाहिए। कौमी सलामती के मामले पर बड़े मिल बैठे। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। सरहद पार हमलों की मसम्मत, गैर मुल्की एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में भी बड़े फैसले। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और जमीनों पर कब्जों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पुलिस और रेंजर्स मिलकर काम करेगी। मुजरिमों को संगीन सजाएं दी जाएंगी तो मामला कंट्रोल हो जाएगा। डीजी रेंजर्स की तजवीज, वजीर आला मुराद अली शाह ने मुकदमात के ट्रायल के लिए अलहदा अदालतें कायम करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्दिस्तान वाले हड़ताल पर, टैक्सों के खिलाफ तीसरे रोज भी शटर डाउन, पहिया जैम रहा, तमाम तिजारती मराकिज बंद, सड़कों पर सन्नाटे, निजाम जिंदगी मफलूज, गिजाई अशिया और अद्वियात की किल्लत पैदा होने लगी। भीगे मौसम ने स्मोक से निजात दिला दी। सूरज ने भी लंबी छुट्टियों के बाद दीदार कराया। सूरज की किरणें फूटी तो धूली फिजा मजीद खूबसूरत दिखाई दी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। चित्राल, सवात, दीर और पाचा के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
سیاحتی مقام کالام کے جنگلات شولوں کی پکڑ میں آ گئے، تین روز سے لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، گزشتہ روز ہونے والی بارش بھی ناکافی، سینکڑوں درخت جل کر راکھ ہو گئے۔ پسند کی شادی پر بھری کوٹ میں سسرالیوں کی سلامی، کراچی میں ملیر عدالت میدان جنگ بن گئی، بیوی کے رشتہ داروں نے دھاوا بول دیا، ہاتھا پائی اور جھگڑے کے بعد عدالتی حکم پر تین ملزم موقع پر گرفتار۔ سینتیس سال حکمرانی کے مزے لوٹنے والے رابرٹ موگابے کی کہانی دی اینڈ، زمبابوین فوج نے تختہ الٹ کر قبضہ جما لیا، صدر اور کابینہ کے اہم اراکین گھروں میں نظر بند، سرکاری ٹی وی کا کنٹرول سنبھال لیا، شاہراہوں پر ٹینک نکل آئے، نائب صدر ملک بدری ختم کر کے واپس لوٹ آئے، برطانیہ کی فریقین سے پرامن رہنے کی اپیل، امریکہ نے سفارتی عملہ کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہولناک زلزلے کے بعد ایران اور عراق میں تباہی کے مناظر، ہلاکتوں کی تعداد 540 ہو گئی، 8,000 سے زائد زخمی، لاکھوں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ کا نیا سٹنٹ مارکیٹ میں آ گیا، شادی اصل یا نقل فیصلہ ہوا نہیں، اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا، کون ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے نہیں بتایا، صرف اتنا اشارہ دیا کہ دلہا کوئی سیاستدان نہیں ہوگا، خوشی کچھ زیادہ بڑی تو پھر گانا گا کر انگلش کی دھجیاں اڑا دی۔ Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on. کوئٹہ میں پولیس ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر، بلٹن کا آغاز اسی خبر سے کریں گے، دہشت گردوں کی فائرنگ، ایس پی انویسٹیگیشن، اہلیہ بھائی اور بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، کوئٹہ میں پولیس ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر، ایس پی محمد الیاس کی گاڑی کو نواں کلی میں نشانہ بنایا گیا، دہشت گردوں کی فائرنگ، ایس پی انویسٹیگیشن، اہلیہ بھائی اور بیٹے سمیت شہید ہو گئے ہیں، ایس پی محمد الیاس کی گاڑی کو نواں کلی میں نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں کا پولیس پر ایک اور بزدلانہ وار، نواں گلی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایس پی انویسٹیگیشن محمد الیاس کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ افسوسناک واقعے میں پولیس افسر محمد الیاس، ان کی اہلیہ، بیٹا اور پوتا موقع پر شہید، جبکہ ان کی پوتی زخمی ہو گئی، لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ دہشت گردی کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزموں کی تلاش شروع کر دی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حملے میں ملوث ملزموں کی فوری گرفتاری کی ہدایت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلی حکام بھی اسپتال پہنچ گئے، وزیر اعلی بلوچستان نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کوئٹہ میں پولیس افسروں کی ٹارگٹ کلنگ کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے، جمعے کے روز اے آئی جی حامد شکیل اور ان کے تین ساتھیوں کو خودکش دھماکے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ عارف محمود، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے ایک اور خونی کھیل کھیلا، ضلع کے اسے گولیوں سے چھلنی 15 لاشیں ملی ہیں، 11 کی شناخت ہو گئی، ان افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے، ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ یہ افراد غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے محمد شعیب۔ بلوچستان کے ضلع کیت سے گولیوں سے چھلنی 15 لاشیں برامد ہوئیں، ان لوگوں کو بلیدہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کیا،
लेवीज अहलकारों ने लाशों को तुर्बत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 15 में से 11 लाशों की शनाख्त हो गई, जिनमें मोहम्मद हसनैन, जुल्फिकार अली, खुरम शहजाद, गुलाम रबानी, जफरान जाहिद, अजहर वकास, सैफुल्ला, मोहम्मद इलियास, अब्दुल गफूर, तैयब रजा, एहसान रजा शामिल हैं। इनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, वाह कैंट, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट से बताया जाता है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ का कहना है, ये अफराद ईरान के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। इनके तामीराती कंपनी में काम के हवाले से खबरों में कोई सदाकत नहीं थी। डीसी केस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जा रहे थे। जहां भाग अफराद की लाशों को आबाई इलाकों में मुंतकिल करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज, क्वेटा। बलोचिस्तान में कत्ल किए गए खुरम शहजाद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया से है। गमजदा वालिदा और भाई का कहना है कि एजेंट से 1,50,000 रुपए में मामला तय हुआ था और एजेंट ने इस्तांबुल पहुंचाने का वादा किया था। जी आज 18 दिन हो गए जी, गए आई फोन आया तुम रात पिछली, आज 10 दिन हो गए कॉल नहीं आई पाया। क्या नाम है, मैं जाके ना कॉल करा दा सिम लैके नवी ते अगो बैंक बाद चाल नहीं जी आई। सौ बार बार आई, तारीख दा नहीं पता केड़ी तारीख है। एक बार मेरे पुत्रा ने मेरा रखा जाना किथे आस जाना इस्तांबुल तुर्की। ते किन्ने पैसे मुके आ पैसे मुके सन साडा 1.5 लाख मुके आ। दित्ते किन्ने जे दित्ते 15,000 दित्ते एजेंट ना ते कुछ दे कोल आ। वजीर पंजाब ने बलोचिस्तान में कत्ल किए गए 15 अफराद की लाशें लाने के लिए 11 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। सूबाई वजीर राना मशहूद को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। कमेटी बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता करेगी। राना मशहूद कन्वीनियर होंगे इस कमेटी के। सीसीपीओ लाहौर गुजरांवाला और आरपीओ शेखुपुरा समेत 11 अराकीन है इस कमेटी में। कमेटी बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ते के बाद 3 दिन में वजीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामाबाद में मजहबी जमातों के धरने ने जुड़वा शहरों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। मुजाहिरीन ने फैजाबाद इंटरचेंज का चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम होकर रह गई है और आवाम की मुश्किलात पर मुजाहिरीन टस टस से मस नहीं हो रहे और ना ही हुकूमती जोमा के कानों पर कोई जूरिंग रही है। यह हम खबर मजहबी जमातों का धरना रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुजाहिरीन ने फैजाबाद इंटरचेंज को चारों तरफ से बंद कर रखा है। ट्रैफिक जैम है, यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजाहिरीन टस से मस हो रहे हैं और ना ही हुकूमत के कानों पर जूरिंग रही है। जबकि वजीर दाखिला एहसन इकबाल का यह कहना था कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, कुछ लोग लाशें चाहते हैं। खत्म नबूवत की मुतनाज़े तरमीम को लेकर मजहबी जमातों ने लाहौर से इस्लामाबाद के रास्तों को पिछले 8 दिनों से बंद कर रखा है। मुजाहिरीन ने फैजाबाद इंटरचेंज को चारों तरफ से ऐसे बंद किया है कि ट्रैफिक जैम होकर रह गई है, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई से ज्यादा और कुछ नहीं कर पा रही। पहले इन मुजाहिरीन को रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स लगाए गए थे, लेकिन इन्हें रोका ना जा सका। अब सड़कें ब्लॉक हैं, जिनमें से कुछ मुजाहिरीन ने कर रखी हैं और कुछ इंतजामिया या पुलिस ने। वैसे 45 मिनट में आते थे, अभी 2 घंटे लग जाते हैं। वापसी में भी यही टाइम है। कॉम्प्रोमाइज करके कुछ चीज़ों को तो इस चीज़ को खत्म करना चाहिए। मोबाइल नेटवर्क बंद है, ट्रैफिक जैम की हुई है, वहाँ से ट्रैफिक जैम है। धरना शुरू होने के दूसरे ही दिन सड़कें बंद होने के बायस एक बच्चा अस्पताल ना पहुंच सका और दम तोड़ गया, जिसके कत्ल का मुकदमा इस धरने के कायदीन पर काट दिया गया। इसके अलावा धरना मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों को यरगमाल बनाया और आम शहरियों पर भी तशद्दुद किया, जिस पर इनके खिलाफ मजीद 8 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। तरमीम किसने की, इस वाके की तहकीकात के लिए नवाज शरीफ ने राजा जफरुल हक की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट 8 से 10 रोज में सामने आना थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। दूसरी तरफ मुतनाज़े तरमीम को वापस लेकर इसको असल शक्ल में बहाल करने के लिए हुकूमत तैयार हो गई। अब वजीर दाखिला एहसन इकबाल का मानना है कि धरने वाले सब्र का इम्तिहान ना लें, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाए। इंतहाई अगर कदम उठाना पड़ा तो हम वो जरूर उठाएंगे, लेकिन हम उस इंतहाई कदम के लिए चाहते हैं कि उससे पहले तमाम ऑप्शंस
एग्जॉस्ट करें जिससे कल को किसी को ये कहने का मौका नहीं मिले कि यहाँ पर कोई पुरतशद्दद वाकया क्यों हुआ। इस सारी सूरत हाल में और एक परेशानी जो जुड़वा शहरों के बासियों के साथ है वो ये कि धरने के करीबी इलाकों में गैर एलानिया तौर पर मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात के धरने से जुड़वा शहरों के लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अहम शाहराहें, मेट्रो बस और मोबाइल सर्विस बंद रहने से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। बदतरीन ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। तफसील बताएंगे रावलपिंडी से वकास अहमद। जुड़वा शहरों के अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। मजहबी जुमात के फैजाबाद इंटरचेंज पर धरने से मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए। लोग मारे मारे फिरते रहे। गुज़श्ता 9 रोज से जारी धरने की वजह से अहम शाहराएं बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम रही। मरी रोड, कचहरी चौक, एयरपोर्ट, पीडब्ल्यूडी, स्टेडियम रोड, आईजेपी रोड, 9th एवेन्यू, कश्मीर हाईवे और पिशावर रोड मुकम्मल तौर पर बंद रहा। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गयी और बारिश में बदतरीन ट्रैफिक जाम ने शहरियों को जहनी अजियत से दोचार कर दिया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गयी है, आने जाने की बहुत प्रॉब्लम होती है और रास्ते चेंज करने पड़ते हैं। ये रोड्स ब्लॉक होने की वजह से काफी मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। जुड़वा शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। दफातर जाने वाले मुलाजमीन और बच्चों को स्कूल के लिए मीलों सफर पैदल करना पड़ा, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर रही। ये जो वे हैं ये सारे बंद हैं, ये वो हम लेट हो जाते हैं, घर भी टाइम से नहीं पहुँचते। ट्रैफिक पुलिस को तमाम अहम शहरों पर ट्रैफिक रवान रखने में मुश्किलात का सामना है। मेयर रावलपिंडी ने धरना खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। इस्लामाबाद में जारी धरने की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सियासतदानों ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। कहते हैं कि मसले के हल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, जबकि आयशा गुरालाई ने हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ये सारे बड़े बड़े आलम बनते हैं और नामूस रसालत पर कोई मायदा नहीं हो सकता। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज इन्होंने मुझसे माजरत की और जायद अहमद साहब ने कहा आप सच कहते थे, हमसे गलती हुई। पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो बिल्कुल जहनी मरीज बन चुके हैं और अगर गवर्नमेंट नहीं तवज्जो देती तो फिर इसके नतायज और खराब हो सकते हैं। हुकूमत की तरफ से बेपना मुजरिमाना कोताही हो रही है और उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप अगर ये चीज आपने करनी है तो क्यों नहीं कर रहे, कमेटी आपने बनाई है रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। हुकूमत अपने शहरियों की सहूलत के लिए रास्ते साफ नहीं करती तो फिर मैं डेडलाइन दूंगी पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को कि आप आए और आप वो पिंडी और इस्लामाबाद की शहरियों ने मुझे कहा है कि हम खुद आएंगे और हम खुद इन लोगों से अपने इलाके जो है वो क्लियर करेंगे। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को हाजिर से सस्ता दे दिया है। दो गवाहों के बयानात भी कलम बंद हो गए। अदालत ने मजीद 4 गवाहों को तलब कर लिया है। तफसील बता रहे हैं नईम असगर। सजा दी नहीं जा रही, ये दिलवाई जा रही है। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान की एक बार फिर पेशी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तीनों रेफरेंसेज में बकायदा ट्रायल शुरू हो गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंसेज की समाअत की। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की अफसर सिदरा मंसूर ने एवन फील्ड रेफरेंस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। हुदैबिया पेपर मिल्स का रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट पेश की। सिदरा मंसूर ने कहा कि पेश की गई दस्तावेजात पर स्टैंप और सील की जरूरत नहीं, जबकि मुलजिम के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो रिकॉर्ड जमा कराया गया इसमें कंपनी का कवरिंग लेटर नहीं, अदालत के सामने गलत बयानी की जा रही है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया कि अहलिया बीमार हैं, इनकी इयादत के लिए बैरून मुल्क जाना है, जबकि मरियम नवाज ने भी 1 माह के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना
और अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरखास्त की। अदालत ने दरखास्तें मंजूर करते हुए नवाज शरीफ को 20 नवंबर से अगले 7 दिन तक और मरियम नवाज को आज से अगले 1 माह तक हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। अदालत में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ कहने लगे, नजरसानी अपील के फैसले में सियासी मुखालफीन वाली जुबान इस्तेमाल की गई। रिव्यू पिटीशन का जो फैसला आया है आपके सामने चंद दिन पहले जो फैसला आया था वो एक फैसला नहीं था, वो एक पैगाम था। नैब अदालत को एक पैगाम था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा देनी है। अदालत ने 4 गवाहों मलिक तैयब, शहबाज, मजर बंगश और राशिद को अगली समाअत पर तलब कर लिया, जबकि शरीफ खानदान की पेशी पर नून लीग के रहनुमाओं के अलावा वुजरा और कारकुनों की बड़ी तादाद जुडिशियल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद थी। साथ ही रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान कहते हैं कि इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए, नून लीग के नंबर खत्म होने पर हुकूमत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खानपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक दावा कर डाला। ज्यादातर लोग नवाज शरीफ के साथ अब नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये नवाज शरीफ नून लीग को इस्तेमाल करे अपनी करप्शन बचाने के लिए, खुद कुछ हमला करे अदलिया पे और एस्टेब्लिशमेंट पे। कप्तान ने इलेक्शन के हवाले से अपना मौकफ भी बयान कर दिया। आईन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चली जाती है, मसलन की गवर्नमेंट चली जाती है अगले महीने, तो कानून आईन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने खानपुर के म्यूजियम का दौरा भी किया। उन्होंने इस मौका पर शिकवा किया कि माजी में कीमती नवादरात चोरी हुए। पार्लिमानी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की बाजाबता रजामंदी के बाद नई हलकाबंदियों के लिए आइन में तरमीम के बिल पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत ने खत्म नबूवत से मुतालिक शिकों को असल हालत में बहाल करने का बिल पेश करने का फैसला भी कर लिया है। पार्लिमानी रहनुमा मरदमशुमारी के अबूरे नतायज पर नई हलकाबंदियां कराने के लिए आइन में तरमीम के बिल पर मुत्तफिक हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली या सादी की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी की बाज़ाब्ता रजामंदी के बाद जुमेरात को कौमी असम्बली से आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी ली जाएगी। उधर हुकूमत की जानिब से बताया गया कि खत्म नबूवत से मुतालिक कानून की शिक 7B और 7C को भी असल शक्ल में बहाल करने का बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने उम्मीद जाहिर की है कि खत्म नबूवत से मुतालिक बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में जारी धरना खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 35 साल जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की। मर्दमशुमारी पर तहफ़ुज़ात दूर ना हुए तो इंतखाबात के बाद दोबारा मर्दमशुमारी का मुतालबा कर सकते हैं। तफसील बताएंगे लाहौर से मियां असलम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मीडिया से बातचीत की तो एक गिला भी कर दिया। There should be one law for everyone, और कोई फर्क नहीं होना चाहिए पीपल्स पार्टी के केसेस में, नून लीग के केसेस में और पीटीआई के केसेस में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। मियाँ नवाज शरीफ का जो सियासी तारीख है, अपना सियासी तारीख हाल है, उसका 30 साल का सियासी जो हिस्ट्री रहा है उसमें हर कंस्पिरेसी जो हुआ है जम्हूरियत के खिलाफ मियाँ साहब खुद उसमें शामिल थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मौलाना फजलुर रहमान को एक मशवरा भी दे डाला। मौलाना साहब इस वक्त शायद ज्यादा दूर जा रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का डिफेंस में, उसका अपना पार्टी है, वो अपना पार्टी के बात करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि नून लीग ने मर्दमशुमारी को बहुत मुतनाजिया बना दिया है। मियाँ असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम खबर, हुदैबिया पेपर मिल्स केस, इसहाक डार के खिलाफ दोबारा तहकीकात का फैसला किया गया है। नैब एलामिया के मुताबिक रेफरेंस मंसूख होने पर इसहाक डार के खिलाफ बहैसियत मुलजिम तहकीकात का आगाज किया जा रहा है। दोबारा तहकीकात का फैसला किया गया है, रेफरेंस मंसूख होने पर बहैसियत मुलजिम तहकीकात का अब आगाज किया जा रहा है। नैब ऐसा कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे।
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں غیر ملکی ایجنسیز کی جانب سے پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی کوشش پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر پاک آرمی اور پولیس پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی گئی۔ شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دشمن کے عزائم کو ہمیشہ کی طرح ناکام بنایا جائے گا۔ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ نے خطے اور خصوصاً مشرق وسطی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ کمیٹی نے بلوچستان میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ کمیٹی میں آئل اور گیس کے منصوبوں پر بھی غور کیا گیا۔ اداکارہ میرا کی شادی اصلی ہے یا نقلی، فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن اداکارہ میرا نے عمران خان کو ایک مشورہ ضرور دے ڈالا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں شادی کی اجازت مل گئی ہے۔ عدالتی فیصلے کی تشریح میرا کی زبانی ہی سن لیتے ہیں۔ میرا کوئی لڑکا بھی ڈھونڈ لیا؟ جی ہاں، لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ اگر عمران خان کہے جی تو آپ ان سے پوچھ کے بتا دیجئے گا۔ پولیٹیشن سے میں نے کبھی شادی کرنے کے بارے میں سوچا نہیں، کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ملی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے نیوز اپ